जाने जाना ढूंढे तुझे दीवाना, सपनों में रोज आए आ जिंदगी में आना। जाने जाना ढूंढे तुझे दीवाना सपनों में। नाराज होके लेट गए हैं क्योंकि इनको हम सूरत नहीं लेके जा रहे हैं, पर ये दोनों हंस रहे हैं अंदर ही अंदर। गट्टो की तो कवर भी बैग भी हिल रही है। बेटा नहीं ऐसे नहीं करते, ये क्या कर रहा है गट्टू, क्या बदतमीजी सीखा है ये? नहीं मानेगा, दूर रहो। Hey guys, good morning, welcome back to the channel. तो ये लोग सुबह उठते हैं ना और ये ही रुक जा। गट्टू को कहाँ जाना है घूमने के लिए? अगर मैं आपको नहीं लेके जाऊँ तो कट्टा हो जाओगे। और कहाँ जाना चाहते हो आप घूमने के लिए? गोवा वाले बीच पे। आपने पहले कभी गोवा देखा है? खोपड़ी फ्रॉग और बुम्बैया। मुंबई भी अच्छा लगता है? हाँ, अभी मैं तैयार होकर जा रही हूँ ऑफिस और गट्टू है घर पे, भाई मेरे को बहुत मिस करेगा। और मैं दोपहर में आऊंगी और मैं बेटे को शायद पार्क लेके जाऊंगी, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, क्योंकि आज मम्मा का बहुत सारा काम है ना गट्टू? हाँ। ठीक है, अगर मैं पार्क के लिए नहीं आई मम्मा तो आप खाना खा लेना, ठीक है? ओके। पक्का? से प्रॉमिस? प्रॉमिस, लेकिन मम्मा आप मुझे 10 रुपए की चॉकलेट भी देना। नहीं, अच्छा रुक जा फिर। हाँ, आप मुझे फोन दोगे या फिर मैं दोगे? आके दूंगी रात को। ठीक है तो आप खाना खा लोगे? हाँ। ये ऐसे बोल रहा है पर खाता नहीं है, जब तक मैं नहीं आती तो खा लूंगा। ओके, बस एक ही काम है। गुड मॉर्निंग गाइस, माय नेम इज दीपक राघव और ये वीडियो जाएगी मेरे चैनल पे जिस चैनल का नाम है फुकरे वीडियोस। और ये दोनों जो हैं बहुत ज्यादा शैतानी बच्चे हैं और हम इस वीडियो में आपको इन दोनों की शैतानी ही दिखाने वाले हैं। बेसिकली ना, हम लोगों को बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी कि आप डेली व्लॉग स्टार्ट करो। सो वी प्लान्ड कि हम एक नया चैनल स्टार्ट करेंगे जो कि ऑलरेडी एग्जिस्टिंग चैनल है यूट्यूब पर, और उसी पे अपना ये कंटेंट आपको रोज देंगे। ओके गट्टू? सो अभी मुझे ऑफिस में आए करीब 2 घंटे हुए और मैंने बहुत सारा काम भी कर लिया है। सो आई एम जस्ट वेटिंग कि दीपक मुझे कॉल करे अपनी मीटिंग से फ्री होके, उसके बाद हम दिल्ली जू जाएंगे। ये क्या हो गया, मैंने आपको अभी देखा है, क्या हुआ ये? अरे यहाँ पे दर्द हो रहा था, मैं कोलगेट लगाई। अरे भाई, आपको किसने सलाह दी है? खुद से लगा ली? हाँ। मेरा बेटा इतना होशियार कैसे है? और यहाँ हमारे घर में बने हैं चावल। गट्टू ने खाना खाया? हाँ। पक्का? पक्का। गुड बॉय। क्या रखा है गट्टू के सिर में? डांटते ही सिर में दर्द हो जाता है आपके? हाँ मेरा बेटा। रिदांश दे इसको रिमोट बेटा। मैं अगर रिमोट ही ले लूंगी फिर आप क्या करोगे? दे दो इसको रिमोट। मैं टीवी बंद कर दूं? दे दो जल्दी, फिर मैं टिकट बुक कर रही हूँ अभी गोवा की। जल्दी, हाँ जल्दी दे दो, जल्दी प्रॉमिस। अभी जल्दी, टाइम मत वेस्ट कर, टिकट बुक हो रही है गोवा की। ठीक है, दे दे। कैसे बने हैं? बहुत अच्छे। मैंने नहीं बनाया ना इसलिए बोल रहा है बहुत अच्छे। मैंने बनाया है। रहने दे। गाइस, डू यू वांट टू हैव दिस येलो राइस विद लस्सी? और मैं कल ये लेके आई थी मट्टी और इसके अंदर एक अचार मिला था, तो मेरे घर में अचार नहीं है, मैंने सोचा इसमें से ढूंढ लूं, पर ये मेरे जाली में कल लेके आई थी और इसमें कुछ बचा दिया। खा गए हैं कल से, खा गई है, कल से खाने लग रही है। अरे लड़ने इतनी खाई है, अब एक खा लेती हूँ। अच्छी है एक्चुअली, है ना, अचार होता तो और अच्छी लगती। हम कर रहे हैं यहाँ पर फ्लाइट की टिकट बुक और मेरी दीवार का हाल देख लो कितना बुरा हो रखा है, एकदम बदसूरत सा। और ये आ गया फिर वापस फोन मांगने के लिए। हाँ। नहीं मिलेगा फोन? हाँ। छोटे बच्चों को फोन नहीं मिलता? मिलता है। आइस खराब हो जाती है ना, आप लोग ही कमेंट करके बताना छोटे बच्चों की आइस खराब हो जाती है। भैया क्या जमाना आ गया, सीट बुक कर रहे हैं, अब सीट के भी एक्स्ट्रा पैसे पे करो।
ये 200 में हुई है और ये 129 में हुई है। अभी गट्टू ना मुझे मार रहा था, मैंने बोला गोवा की टिकट कैंसिल है, तो कह रहा मम्मा वो तो मैं मजाक कर रहा था, कम खाया कर थोड़ा। पहली बार मिला है, खा रहा है। गाइस पूरा दिन तो बर्बाद हो ही चुका है, मैं सोच रही हूँ दो काम कर लेते हैं, एक शॉपिंग कर लेते हैं और एक राशन ले आते हैं। नाराज होके लेट गए हैं क्योंकि इनको हम सूरत नहीं लेके जा रहे हैं। और ये दोनों हंस रहे हैं अंदर ही अंदर, गट्टू की तो कवर भी तो बैग भी हिल रही है। और बस टैबलेट देखते ही झपट जाएंगे ये लोग। अबे रुक जा। सो गाइस सूरत की टिकट तो हो चुकी है बुक, और अभी मैं कर रही थी गोवा की, और ये लोग ना मैं आपको दिखाती हूँ, ये लोग इतने निकम्मे हैं कि करने नहीं दे रहे हैं बुक, और अपने आप ही ढूंढे जा रहे हैं और बोल रहे हैं इस होटल में रुकना है और इस होटल में रुकना है। बिल कौन देगा गट्टू? हमको चाहिए स्विमिंग पूल वाला होटल, चाहिए स्विमिंग पूल वाला होटल ताकि हम तैर पाए, मजे कर पाए। गट्टू आपको क्या चाहिए बेटी? मुझे चाहिए बैंड होटल। हैं? बैंड होटल। बैंड होटल, बैंड बजा बजा कर नहीं। हम दोनों को डाल दो। अबे रुक जा। हम दोनों को डाल दो। हम दोनों का। ठीक हूँ। ओके लो। पेशेंट। ये गट्टू गाना गा रहा, देखो। कौन सा गाना गा रहा है बेटा? तो एक भी पूरे घर के अंदर ऐसा बैकग्राउंड नहीं है कि जिसको हम कह सके कि नीट और क्लीन बैकग्राउंड है, और वहां हम एक छोटा सा टेक भी ले सके। ये मॉडर्न आर्ट है, मॉडर्न आर्ट दीवारों पे मॉडर्न आर्ट कर रखा है देबू ने। देबू गए कौन सा गाना गाया था आपने? पैड़ी खोपड़ा पैड़ी पुपड़ा गाना मुझे नहीं क्या बात है? टॉप सीक्रेट, टॉप सीक्रेट है ना भाई गट्टू? हाँ, ताली 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 हैप्पी दिवाली। ताली में ताली हैप्पी दिवाली, सर्दी में वाली। ये लड्डू हमने घर में बनाए थे, मैं खा नहीं पाती तो मैंने सोचा आज खा लेती हूँ, हालांकि मेरे पेट में जगह नहीं है। और ये दीपक जी की राइटिंग, ये थैले निकाले सामान लाने के लिए। नहीं है तुम्हें को मिला? अरे लिया तो मैंने यही रखा होगा ना। है? चला गया। मिल गया? इतना होपलेस इंसान है ये, चीजें रखे खुद भूल जाता है। अरे रहन दे। सो गाइस अभी हम आ गए हैं अपने घर का राशन लेने के लिए, और घर में ठंड लग रही थी, बाहर आके गर्मी लग रही है। पहले शॉपिंग करना ना बहुत अच्छा लगता था, शादी से पहले एक ड्रीम सा लगता था कि हम मैं मॉल में जाऊंगी, ट्रॉली लूंगी, उसमें सामान डालूंगी, और अब इतनी ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन होती है ना, मन ही नहीं करता कुछ खरीदने का, ऐसा लगता है यार कोई ला दे राशन। तो फाइनली अभी हमने इतना लिया है और देख रहे हैं, और जब से ये आदमी आया ना फ़ोन का कीड़ा फ़ोन पे ही चिपका हुआ, भगवान कसम इतनी इरिटेशन होती है ना, ऐसे बंदे के साथ आना ही नहीं चाहिए। वैसे ये सच है, हम ना भर लेते हैं ट्रॉली में सामान, और जब बात बिल की आती है ना तो ऐसा लगता है यार ये सामान इतना महंगा लिया ही क्या है हमने। ये वाले भी अच्छे हैं, ये ले लें क्या? इसको मैं कब से ढूंढ रही थी, दो पैकेट ले लेती हूँ, पूरी सर्दी निकल गई ये ढूंढते ढूंढते। पता है सबसे ज़्यादा एम्बैरेसिंग मोमेंट कौन सी होती है पेरेंट्स के लिए? जब बच्चा कुछ मांग रहे हो और हम ना दिला पाए। मैं वो फेस नहीं करना चाहती। बोल रहे इसमें मेरा एक भी सामान नहीं है भैया, ये सामान मैं खाने वाली हूँ। yes. और इसमें देखा जा रहा हमारा राशन का भी कोई भी सामान नहीं है, और यहाँ पर भी लाया 4800 समथिंग का, और अभी हमको जो हमारे घर में सामान खत्म है और भी लेना है। तो व्हाट वी आर प्लानिंग कि ये वाला सामान हम गाड़ी में छुपा के कहीं रखेंगे, हमारी छोटी सी गाड़ी है, पता नहीं हमारी बड़ी गाड़ी कब आएगी, और उसके बाद हम जाएंगे मोर। और कुछ चीज़ें हमें यहाँ नहीं मिली है, वैसे बिग बाजार में ना राशन बहुत टाइम से आ ही नहीं रहा था, अब आ तो गया है बट सारी चीज़ें फिर भी नहीं मिल पा रही है। तो कोई नहीं, इस बहाने हम थोड़ा घूम भी लेंगे, गाड़ी लेके आ जाओ। और पीछे से अच्छा वो पोल पे लाइट चमक रही है, मैं सोच रही हूँ सूरज है, तो अभी जाएगा गाड़ी लेके आएगा और मैं यहाँ खड़ी रहूँगी तब तक। भगवान के नाम तो हम क्या कर रहे हैं, हल्का हल्का सामान जो टूटने फूटने वाला है वो हम एक थैले में डालेंगे,
लाइक चिप्स, कुरकुरे, बिस्किट टाइप ऑफ वाली चीजें, और जो भारी भारी आइटम होगा, दाल वाल, साबुन वाबुन, वो हम दूसरे थैले में डालेंगे ताकि हमारा सामान डैमेज ना हो। वैसे मैं बहुत समझदार लड़की हूँ, कभी कभी क्या कर देती हूँ, गड़बड़ कर देती हूँ। कितना भी ले लो, घर जाके याद आता है कि यार ये चीज हमने नोटिस नहीं की थी और हमने पर्चा बना के रखा था और वो पर्चा हमारा गाड़ी में ही रह गया था। और मैं लाइट जला लेती हूँ। सो अभी जो है हमारे तीन थैले ऐसे नहीं दिखेंगे, मैं अभी दिखाऊंगी, तीन थैले पूरे भर चुके हैं। और जनरली क्या होता है, मेरी कोशिश ये रहती है कि हम जब भी शॉपिंग करने जाएं, राशन लेने जाएं, तो हम नया थैला ना खरीदें, पर थैले कम पड़ ही जाते हैं और आज भी हमें खरीदने ही पड़ेंगे। सो लेट्स सी अभी वहाँ हमें क्या क्या मिलता है, क्या नहीं मिलता। और इट इज़ ऑलरेडी 6:30 PM और अभी थोड़ा मौसम चेंज हो गया, उस वजह से रात जो है जल्दी नहीं होती। और वैसे ही व्लॉग चैनल जो है मैंने पतिदेव के लिए स्टार्ट किया, पर ये बोलेगा नहीं, मुझे लगता है कि सारा मुझे ही करना पड़ेगा। हाँ ट्रॉली ले लो, आज सैटरडे की वजह से ना भीड़ ज़्यादा है। बच्चों के लिए सबसे छोटी पैकिंग और सबसे बढ़िया, वेस्ट भी नहीं होते। ऐसी है कि ना इसमें दालें हैं और ना ही राजमा चावल कुछ भी है और ना ही चीनी है। और मुझे लेना था मेरे लिए एक बैग, बट आज हम नहीं लेंगे क्योंकि आज हमने ज़्यादा ही खर्चा कर दिया है। वी विल बाय टुमारो। ना मैं ना स्विस ब्यूटी वाला काउंटर देखा और मैं ना ऐसे देख देख के जा रही थी, और ये मेरा हाथ ट्रॉली पे था, ये ट्रॉली खींचे जा रहा ये इसलिए खींच रहा है कि अब ये वहाँ ना घुस जाए। इतना शाना आती है भाई साहब, ये चाहता ही नहीं कि मैं पैसे खर्च करूँ। तो भैया कुल मिला के हमारे 5 थैले और आलू हमने छोड़ दिए गाड़ी में। गाला का ब्रश निकाल लेना, अरे आ जाएगा इसके अंदर। अब तेरे मतलब का कुछ नहीं है इसमें, क्रैक्स आते ही। रोटी खा ली आपने? तो क्रैक्स नहीं खाने। अभी देंगे, रुक जा थोड़ी देर। सो गाइस, हम इस वीडियो को यही एंड कर रहे हैं। ये अपना काम कर रही है और मेरे पास अपना काम है, हम दोनों इतने बिजी हैं, फिर भी आप लोगों के लिए हम वीडियो बनाते हैं और बनाते रहेंगे और बनाते ही जाएंगे। और मेरा मुंह थोड़ा थक गया है क्योंकि मेरे को इतनी बोलने की आदत नहीं है, चप 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 मेरे से होता नहीं, लेकिन मैं करूंगा। और ये इतनी स्माइल ले रही है, जरा स्माइली से पूछे कि आगे क्या बोलना चाहती है। तो गाइज, आप लोगों के कहने पर हमने डेली व्लॉग स्टार्ट तो कर दिया, पर आई डोंट नो कि हम इसे कैसे मैनेज करेंगे, पर आप लोगों ने कहा है तो एनी हाउ हम हमारा बेस्ट देने की कोशिश करेंगे। स्टार्टिंग में थोड़ी कमी होगी, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बता दे जाना कि हमें और लाइक कैसे इम्प्रूव करना है। तो बस, अगर ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाय, गुड नाइट।